अफ्रीकन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं आरिफ आलम, मैं मौजूद हूं अभी चौसा पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 2 तुलसीपुर टोला में। अभी अभी इस मोहल्ले में जो आप तस्वीर के माध्यम से देखते हैं, भीषण अग्निकांड में एक दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गए, जिसमें अनुमान लगाया जाता है कि लाखों का जो है सामान जल करके राख हो गया है। इस आग को काबू पाने के लिए 3 प्रखंड के दमकल को यहाँ आना पड़ा। काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आइए जानते हैं यहाँ पर के लोगों से किस तरह आग लगी और कैसे हुआ। बताइए कैसे आग लगी। खाना बनाने के दरमियान मतलब कितना लोग का घर जला है इसमें? इसमें 15 घर। 15 घर जला है तो 15 घर मतलब जल कर रख, माल मवेशी भी जला उला है क्या? हाँ, ये कुछ माल मवेशी को भी जल गया, मवेशी भी जल गया है सर, मोटरसाइकिल भी जल गया है। हाँ, क्या तो मोटरसाइकिल जला है? एक ठो जला है सर, मवेशी जो है सर, एक ठो भैंस एक ठो गाय जी झुलस गया है। बड़ा मुशक्कत से उन लोगों को खोल के भगाया गया। आग इतना बिकराल था कि लोग वहाँ ठहर नहीं पाता था और इतना लोग सब भाग गया। बाद में प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचित किया गया, जिसमें दमकल लेके आए, एम्बुलेंस लेके आए, दूसरे प्रखंड से भी बुलाए एम्बुलेंस को, तब आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग इतना बिकराल था कि मतलब 3 जगह का दमकल आकर के काबू जी कर पाया। जी जी जी, बहुत भयंकर आग। मेरे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के उप मुखिया, हम इनसे भी बात करते हैं आग के इस संबंध में। कैसे मुखिया जी आग लगी? घर से आगिल थी, खाना बनाने के क्रम में आग लगा है। उसके बाद बाइक भी जला। जिसमें होते हैं इंजन, क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान लमसम बहुत है, सामान घर का जल के राख हो गया, सामान कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अनुमान कितने लाखों का मतलब ये 10-15-20 लाख का जला होगा, क्षति हुआ होगा। मतलब लोगों के घर का कपड़ा लत्ता बर्तन सब चीज जल के रखा, सारा कुछ जितना भी कागज पत्तर हुआ, जितना भी सामान घर का था, सब जल के रख हुआ। मतलब मौका ही नहीं मिला कोई चीज निकालने, पूरा आग लग गया ना। तो मेरे साथ मौजूद थे चौसा पूर्वी पंचायत के उप मुखिया, हम इनसे बात करें। और भी कुछ लोग हैं जो जानकारी देंगे इस संदर्भ में। हम बात करते हैं कुछ महिलाओं से, महिलाएं भी उधर है, हम उनसे भी बात करते हैं कि कैसे कैसे आग लगी, कैसे आग लगले। हम नहीं देख ले कुछ नहीं देख ले हम आइए जानते हैं। और भी महिलाएं हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करते हैं। आप लोग का भी घर जला इसमें है? उससे पूछिए, यही बताइए बताइए कैसे ये आग लगी। और ये तार से लगा है, तार से ये इस तरह खड़ था, खड़े पर गिर गया तार, लुका से आग लग गया। खाना नहीं बनवे, खाना में आग में लेकिन लहरते हुए हम देखे। तार बाद में गिरा, खाना बनाने का आग में जो है ना, तार बाद में जब आग लगा ना, तार बाद में गिरा सर। महिलाएं घर में खाना बना रही थी, उसी की लपटों की वजह से जो है ये आग लगी। हम अपने दर्शकों को यह भी कहना चाहें कि ये बहुत ही गर्मी का मौसम है, ऊपर से तपती धूप चल रही है। आप लोग जो है जो भी खाना बनावे वो परहेज के साथ, और जहाँ भी हल्की सी भी मतलब लगे कि यहाँ पर आग है उस पर पानी डालें, और खाना बनाने के वक्त कम से कम 2 से 3 बाल्टी पानी को जरूर अपने पास में रखें। इस धूप में कब कहाँ किस इस तरह की घटना हो जाएगी कहना मुश्किल है। हम और भी लोगों से बात करेंगे इस संदर्भ में, क्या कहेंगे कैसे आग लगा। इतना तेज था, इतना भयावह था, लोगों को काबू करना बहुत मुश्किल हो गया, बेकाबू हो गया था। एक घर के साथ साथ सारा घर में एक साइड से लगना स्टार्ट हो गया। इस संदर्भ में सब जो है कितने घर जले होंगे? लगभग रखिए कि 10 से 11 घर जले हैं। दर्जन भर 15 घर चले। उसमें मेरा भी घर है। आपका क्या क्या सामान नुकसान हुआ? सब चीज, चौकी जल गया, बाइक जल गया, सब चीज जल गया, पलंग जल गया, तरंग जल गया, बक्सा जल गया, कागज पत्तर पैसा सब जल गया। इस घटना की सूचना जो है चौसा अंचलाधिकारी को दी गई, चौसा प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी गई। घटना के बाद सभी लोग घटना स्थल पर पहुँच गए। आइए हम उनसे भी बात करते हैं, क्या कहेंगे इस संदर्भ में। मेरे साथ मौजूद हैं अंचलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, हम इनसे जानेंगे आज कि किस तरह सर आज जो है चौसा पूर्वी पंचायत में अग्निकांड में मतलब एक दर्जन से अधिक घर जल गए, इसके लिए सर प्रशासनिक तौर पर क्या क्या दिया गया पीड़ित लोगों को? अभी हम लोग 11,000 का चेक काटे हैं और एक एक पोलिथीन फीट वितरण किए हैं त्वरित गति से, और गृह क्षति का जो मुआवजा होगा हम लोग
उसको बाद में कैलकुलेट करेंगे किसका क्या घर क्षति हुआ है, उसको हम अगला अलग से रिकॉर्ड बना के भेज देंगे। कितने सर परिवार को दिया गया ये 11,000? एक दर्जन से अधिक परिवार जो है 11,000 को चेक दिया गया।